एग्जैक्टली तो आप लोग चाह रहे हैं कि ये रहने दें और साथ साथ में पढ़े वो फेरी टेल्स वाला लग रहा है ऐसा लग रहा है मुझे नहीं फिंगर चूज कर दें चलो ये देखो बेटा ऐसा लग रहा है मतलब ऐसा ऐसा मैंने पिक्चरों में लड़कियों को अपने कमरे सजाते हुए देखा है नहीं वो बहुत सुंदर सा बना करके उसमें फोटो लेते हैं ओपनिंग है आज ऐसा लग रहा है सेंटर की ओपनिंग है टीवी की है सेंटर हाँ तो प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग थैंक यू सर वीडियो नहीं दिखा रहा दिख रहा है बेटा अभी ऑन कर हाँ ये बच्चों की ख्वाहिश है कि सर आज इसको हटाया ना जाए हटा दीजिए सर मैं क्या सोच रहा हूँ ठीक है चले ठीक है चलिए अभी एक मिनट रुकिए इसको हटा दें फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं अब कहाँ से हटाएं सर तो कील बैठता हुआ है हाँ सुपर ठीक है अब आप लोग जाते समय घर पे लेके जाइएगा ओके हाय गुड मॉर्निंग बच्चों एक्चुअली इट्स अ गुड इवनिंग राइट कोई बात नहीं तो टॉपिक पढ़ते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीएनए ब्लॉग खत्म कर लिया आज अपन क्या पढ़ेंगे हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन चलिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 पहला चैप्टर पार्ट 2 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स क्या टॉपिक है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स ठीक है चलिए ठीक है चलो देखिए अब इसे हेलो एल्किन का मतलब क्या है कि एल्काइल हैलाइड क्या आर इज हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से लगी हुई हैलोजन क्या बन गया एल्काइल हैलाइड क्या बन गया एल्काइल हैलाइड दिस इज आर एक्स ठीक है और हेलो एरिन का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग को एरिन कहते हैं और बेंजीन रिंग से क्या लगा है हैलोजन क्या लगा है हैलोजन तो ये हो गया आपका हेलो एरिन ये हो गया हेलो एल्केन हेलो एल्केन में जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और यहाँ पर जो ये कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 दिखा देता हूँ अभी ठीक है चलिए एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं जैसे ये कार्बन ठीक है दिस इज हाइड्रोजन ये मान लीजिए CH
थ्री अरे हो गया। अब जब मैं सिर्फ इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, दिस कार्बन दिस इज बेंजाइल हैलाइड, दिस इज बेंजाइल हैलाइड, या आप अच्छे शब्द में लिखिए इस तरीके को कहते हैं एरिल्किल हैलाइड, ये लिखिए बल्कि ज्यादा अच्छा है। अब ये देखो एरिल्किल का मतलब क्या है, दिस इज एराइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, एंड दिस इज एल्काइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, और दिस इज हैलोजन दैट इज हैलाइड। तो इस कार्बन को कहेंगे एल्काइल कार्बन, इसको बेंजाइल कार्बन कहेंगे या एराइल कार्बन कहेंगे, और ये जो पूरा स्पेसीज बना है कहेंगे एरिल्किल हैलाइड, क्या कहेंगे एरिल्किल हैलाइड। यहां पर इस कार्बन को दिखा देता हूं, ये कार्बन एक बॉन्ड यहां बनाया है और ये CH2 होगा एक्चुअली, ठीक है, ये हैलोजन है, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये मान लो बेंजीन मिल गया तुम्हारे, मैं तुमको सिखा दे रहा हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा, yes, और लोन पेयर एक भी नहीं है, जीरो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, क्या हो गया sp3। इधर देखिए इधर देखिए, ये है बेंजीन रिंग, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, और इस कार्बन से ये मान लीजिए हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ ये साइड में, मतलब आपका हाइड्रोजन लगा, मान लीजिए क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, जो भी आप लगाए ब्रोमीन लगा दें, तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा और एक पाई, अच्छा यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा और एक पाई है, एक भी लोन पेयर है क्या, पाई बॉन्ड से कोई मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन में, नहीं, तो प्लस जीरो लोन पेयर, कितना लोन पेयर, जीरो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा sp2, तो ये समझ में आया कहाँ से sp2 आ रहा है, और ये क्योंकि ये जो है sp2 और ये वाला sp3 कहाँ से आया दिख गया, नोट करें, चल। तो अब मैंने आपको एक एरिल्किल हैलाइड सिखाया, अब मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ विश्वास मानिए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी वही है, जो मैं ये बना रहा हूँ सबसे पहले मैंने एरिल्किल हैलाइड बनाया, इसके बाद मैं जो बनाऊंगा वो एलाइल हैलाइड है, उसके बाद मैं एल्काइल हैलाइड बनाऊंगा, फिर मैं विनाइल हैलाइड बनाऊंगा, फिर मैं एराइल हैलाइड बनाऊंगा, और यही रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है, ठीक है, नोट करें, ठीक है। चलिए अब समझे, ये हो गया आपका एराइल हैलाइड, क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया एराइल्किल हैलाइड। अब यहां पर देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से लगी हुई स्पेसी, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे एलाइल, क्या कहेंगे, इस स्पेसी को क्या कहेंगे बेटवा, एलाइल, क्या एलाइल, और यहां पर लगा हुआ हैलोजन इज कॉल्ड एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। अगर मैं आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर की कैसे हीरो, ठीक हो, चलो तो एरिल्किल हैलाइड के बाद क्या आएगा, एलाइल हैलाइड, क्या आएगा, अच्छा विश्वास मानिए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही है, ठीक है, तो अपने को मैं आपको सिर्फ हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन बेटा, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। एरिल्किल हैलाइड के बाद अपन क्या लिखे, एलाइल हैलाइड, तो एलाइल हैलाइड को पहचानने का क्या तरीका है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन में लगी हुई हैलोजन होगी, कोई भी ग्रुप, मैं हैलोजन की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी लगेगा डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन को, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये एलाइल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एलाइल। आगे बैठा करो सर, या आगे, ठीक है, जितना जितना आपको, जैसे जब बच्चा सबसे ज्यादा डरा होता तब मम्मी पापा को एकदम चिपक के बैठा होता, जब आपको ना एकदम आगे बैठी है, अपने को एकदम एक एक चीज सीखनी है, हाँ नोट करिए। इसके बाद क्या है RX, अभी दिखाना, दिस इज एल्काइल हैलाइड, दिस इज एल्काइल
हैलाइड. तो एरिल्किल हैलाइड, एलाइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड. इसके बाद एराइल, उसके बाद सॉरी इसके बाद विनाइल, विनाइल के बाद एराइल. नोट कर, यही रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है. अच्छा एक चीज देखें, मजेदार चीज तो देखी नहीं आपने, यहाँ पे हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा है कि नहीं लगा है? यहाँ पर हैलोजन लगा है किससे? ये देखो ये मैं ये बना रहा हूँ, ये सिग्मा है ना, ये सिग्मा है ना, और दो हाइड्रोजन इसी को बना रहा हूँ CH2, इसी को इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर CH, और ये है X, और ये है अगले वाले कार्बन, लाइक दिस राइट. ऐसे कुछ बनाया मैंने, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और तो कितना सिग्मा? चार सिग्मा. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3. अच्छा यहाँ एल्काइल तो अभी सॉल्व किया था हमने, दिखाया था ना ये एग्जांपल से. तो ये तीनों के बारे में एक पॉइंट लिखो, एक कॉमन पॉइंट लिखो. इन तीनों के लिए जो आपका कार्बन है, कार्बन बॉन्डेड विद द हैलोजन, इस कार्बन की बात कर रहे हैं अपन. दिस इज sp3. क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? क्या हो गया आपका कार्बन, आपकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. नोट करें, डन. चलो अभी तक मैंने जो आपको यही रियल में रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है, जो आगे चल के आपको इस तरीके से थायराइड बना लो, ऊपर लिख लो रिएक्टिविटी सीरीज, ये भी लिख लो, साथ साथ में लिखते रहो, आगे मैं लिखवाऊंगा जरूर. आगे बढ़े, चलो. तो ये तीन तरीके की स्पेसीज हैं हैलाइड्स, तीन तरीके के हैलाइड हमने देख लिए, और इन हैलाइड्स में कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब अपन देखते हैं और तरीके के भी हैलाइड्स जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, दैट इज. अरे इसका नाम लिखे हो कि नहीं तुम लोग? दिखाओ दिखाओ, ठीक है. चलो अब लिखें, अगला लिखें CH2 डबल बॉन्ड CHX. अच्छा ये मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ CH2 लगा है, ये हाइड्रोजन हटा के तुम कुछ भी लगा लो. क्या? ये हाइड्रोजन हटा के तुम कुछ भी लगा लो, इससे मतलब होता है, किससे मतलब होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जब के तुरंत बाद अगर हैलोजन लग गई तो इसको कहेंगे विनाइल हैलाइड. क्या कहेंगे? विनाइल हैलाइड. सुना भी होगा पॉली विनाइल क्लोराइड, सुना है पैन, ये सब सुना होगा, ठीक है, ये सब सुना होगा, अभी आगे पढ़ाएंगे. दिस इज विनाइल हैलाइड. क्या? एंड यहां पर देखो एक बार बताना सर, बहुत मजेदार बात है, ये डबल बॉन्ड है, ये हैलोजन है, हैलोजन के पास कितने लोन पेयर? तीन लोन पेयर. कितने लोन पेयर? यहाँ पर रेजोनेंस होगा, कौन सा? पाई लोन पेयर. रेजोनेंस जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते ना, अभी क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा. अब विश्वास मानिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी मैं जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा, फिर अपन 80% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी भी प्रीवियस ईयर का, सिर्फ एक चैप्टर से, गारंटी. तब आप बोलेंगे सर आप क्या पढ़ाते हैं? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि भैया क्या दिख रहा है, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है हैलोजन, और ये डबल बॉन्ड, राइट. एक सिग्मा, पाई से तो कोई मतलब होता ही नहीं, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, कितना सिग्मा? तीन सिग्मा, मतलब sp2. क्या? sp2. अब यही ऑर्डर भी है साथ साथ में, देखो ये आखिरी बना रहे अपन, तो ये कार्बन, ठीक है. अब यहाँ पर देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा, दिख गया? तो डबल बॉन्ड है ना, तो पाई से हमसे कोई मतलब, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन ही सिग्मा तो है इस कार्बन पर, ये कार्बन है. तो ये क्या हो गया? दिस इज एराइल हैलाइड. क्या? तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में लिखिए, और रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही है. तो कार्बन और हेलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा. क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है. और ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. नोट करिए, आप लोग जब भी मैं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जाकर के एक बार प्रीवियस ईयर
या ये सब देखा करें, देखते हैं कि नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस आता है? कभी देखा? सच सच बताइए, चीजें काम करती हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ भी पढ़िए, जा करके जितनी आपके पास किताबें हों वो लगा डालें, उसके बाद छपेड़ा पीएमटी, टेढ़ी पुलिया क्लासेस, इन सब की कोचिंगों के भी लगा डालिए, समझ रहे हैं? एकदम सब आता है, ठीक है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। चल अब बात आती है कि रिएक्शन कौन सी यहाँ पर होती है, मेन रिएक्शन क्या है हेलोएल्किन हेलोएरिन की? इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दे गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तो मुझे लगता है कि आप में से कितने बच्चे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं पहचान पाते, नहीं आता ना? तो आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म की भी क्लासेस करनी पड़ेंगी, पर आप इसको साथ साथ लिखिए। इस तो हेलोएल्किन हेलोएरिन की जो मेन रिएक्शन है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनकी मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए दूसरी, दे गिव बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। And the last is they show reaction with metal. They give reaction with metal. Not correct. चलिए आगे बढ़े। मेक इट फास्ट। कैसे हैं भाई आप लोग? अनायता समझ आ रहा है बिटवा? डन? ठीक है, चल नाउ स्टार्टिंग विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल, जनरली न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल को पहचानने का तरीका कोई बता, बताइए। कोई भी लोन पेयर, कोई एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए स्पेसीज में। स्पेसीज लुईस बेस होनी चाहिए। जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज होती है सब लोन पेयर। एक दो याद करने की जरूरत नहीं है, अपन पूरी केमिस्ट्री की बात करेंगे। किताब में चार छह दिया, हम पूरी केमिस्ट्री की बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल पहचानने का तरीका, कोई भी स्पेसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। हैलाइड आयन, नाइट्रेट आयन, नेगेटिव चार्ज है ना, सब न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रल स्पेसीज है, क्या है? न्यूट्रल। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे पता करें कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? तो दो तरीका, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्टेट। उसकी बाहरी की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सेंट्रल मेटल के आठ। कितना होना चाहिए? और कम से कम एक लोन पेयर, मतलब ऑल लुईस बेसेस आता न्यूक्लियोफाइल। सिंपल लिखवाऊंगा। अपन क्लास 11th की रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर का नाम है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बार पढ़ाऊंगा और आपसे कहूंगा कि नीट जेई के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी ईयर का पेपर उठाइए, 60% से 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जितना स्ट्रक्चर है, आईपीएसी है, ठीक है, जितना भी आपका एस्टिमेशन डिटेक्शन है, सब सॉल्व होगा, ठीक है? yes. तो इंतजार करिए उस घड़ी का, ठीक है? चल एल्काइल हैलाइड, और इसका ट्रीटमेंट हमने किया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो और मीडियम कैसा? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब मीडियम कैसा है? एल्कलाइन। कितना है? कैसा है? एल्कलाइन मीडियम। तो आपको क्या मिलेगा ऑन रिएक्शन? इट विल गिव, विल फॉर्म एल्कोहल। क्या बना? एल्कोहल। और ये कैसी एल्कोहल है? प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है, नोट करें, सोडियम हैलाइड। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि
अगर तुमने शर्ट खरीदी, जैसे मान लो कि तुम शर्ट खरीदी, अगर तुमने कपड़े वपड़े खरीदे होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा, आपने अगर कहीं शर्ट वर्ट खरीद ली तो मान लीजिए घर गए पसंद नहीं आया, तो शर्ट रिटर्न हो जाती है कि रिप्लेस होती है? अच्छा शर्ट रिटर्न कौन कौन दुकान से ले रही बिटिया? सर रिप्लेस होती है, रिप्लेस होती है। मैंने तो आज तक कहते सर पैसे वापस नहीं होंगे, आप कुछ और ले लो। रिटर्न नहीं होता, बदल कर देते हैं। मजेदार बात तो उसके बाद है, क्या शर्ट के बदले जूता मिल जाता है? नहीं। अगर आपने किसी भी बड़े स्टोर से कपड़े खरीदे होंगे तो वहां अप्रैल, अप्रैल कहते हैं इसको, कपड़े अपने को अप्रैल कहते हैं, अप्रैल का रिप्लेसमेंट अप्रैल से होता है। तो शर्ट के बदले शर्ट, क्या शर्ट के बदले शर्ट। अच्छा कहने की यहाँ क्यों बता रहे ये बात? मैं कोई भी बात बिना वजह नहीं बताता। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इसका सब्स्टिट्यूट, मतलब रिप्लेसमेंट। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल के बदले क्या है? OH माइनस Na प्लस, इसी तरह X माइनस R प्लस। तो शर्ट के बदले शर्ट, तो न्यूक्लियोफाइल के बदले न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल के बदले न्यूक्लियोफाइल, नोट करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो ये क्या है आपका? तो कहेंगे सर एराइल हैलाइड, क्या है? एराइल हैलाइड, यही है। देखो लोन पेयर है, तीन लोन पेयर है, ठीक है। और जब आपने इसका ट्रीटमेंट अगेन सेम, तो यहां पर किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं हुई, क्यों? वहां पे तुरंत हो गई, यहां रिएक्शन ही नहीं हुई। Even alkali, it is a very strong alkali. I think sodium hydroxide is a very strong alkali, right? Still यहाँ पर reaction क्यों नहीं हुई? ये reaction क्यों नहीं हुई? यहाँ पे है तो ये भी aryl halide, लेकिन aryl halide ने ये reaction क्यों नहीं दी? Reason लिखिए। जैसे बेटा एक बार बताना, लवी क्या नाम है? प्रियांश। मेरे पास कार है, मान लो तुम्हारे पास ट्रक है, और मान लो जो है तृप्तिक पास ट्रैक्टर। अब हम लोग बहुत अच्छी, हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अपने को जब फार्म में हमारे काम होता है तो ट्रैक्टर वैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो मैं अच्छा मेरे पास फार्म भी है और मेरे पास मेरी कोई ट्रेडिंग कंपनी भी है, मेरा सामान वान भी बिकता है, ट्रांसपोर्ट वांसपोर्ट भी होता है। तो कायदे से तो मेरे पास कार भी होनी चाहिए, मेरे पास खुद की ट्रक भी होनी चाहिए, मेरे पास खुद का ट्रैक्टर भी होना चाहिए, राइट? आप लोगों के साथ भी ऐसा होना चाहिए, आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए, अपना अपना काम। लेकिन यार हमारी मित्रता है, मान लीजिए हमने कहा यार प्रियांश यार ये गोडाउन भेजना था सामान, तो प्रियांश ये कहेंगे क्या? सावंत ऐसा है ट्रैक्टर खरीद, वो ट्रक खरीद लो। या फिर प्रियांश कहेंगे अरे सर आप अपनी जो है ऐसा करिए हमारा ट्रक ले जाइए, क्या करने पैसा फंसाएंगे? सुना है कि नहीं? ऐसे यार हमारा यूज कर दो, क्या हुआ हमने इसे ट्रक ले लिया। अब इनको मान लो किसी की शादी में जाना है, मान लो इनकी बारात है, ठीक है, अब जाना है, तो मान लो अपनी गाड़ी नीचे खड़ी थी, हमने कहा यार क्या करने है? कार खरीदोगे? लो मेरी गाड़ी लेके जाओ, ठीक है। मान लो हमारे यहाँ सीजन में जाना आ गया, कुछ काटना वाटना, हमने इनका ट्रैक्टर ले लिया। तो ऐसा लग रहा है कि हम तीनों एक दूसरे के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। लिखो लिखो, एराइल हैलाइड एंड, अच्छा एक बार बताना, एक बार बताना, न्यूक्लियोफाइल के पास न्यूक्लियोफाइल है स्पेसिस, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि कम? ज्यादा। न्यूक्लियोफाइल में 8 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, ठीक है, अरे लोन पेयर के साथ 8 होते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल अमीर लोग हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स, आर लेस रिएक्टिव, आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। They are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. ये टॉपिक बहुत बड़ा है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अपन।
ठीक है, रीजन क्या है क्यों, तो लिखिए ड्यू टू, अच्छा यहाँ पर देखो रेजोनेंस है, लोन पेयर पाई, पाई लोन पेयर रेजोनेंस, ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन, रेजोनेंस तो ऑर्गेनिक में आ गए हैं आप, कुछ भी होगा तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन बिटवीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड रिक्वायर क्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रिक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हेंस बॉन्ड बिकम stronger and shorter bond become stronger and shorter. अच्छा आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा BFF, सुना है? हाँ नहीं समझे, जानते कि नहीं, ये सुना कि नहीं? आप लोगों ने एक गाना सुना है, ना है ये पाना ना खोना भी है, हाँ तेरा ना होना जाने क्यों होना भी है, नहीं सुना? BFF का मतलब होता है कि अगले ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी है, क्या मतलब? आप बहुत खास हैं लेकिन आप फ्रेंड नहीं समझ रहे हो, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, मतलब आदमी को समझ ही नहीं आता, कई कई साल पता ही नहीं चलता हो क्या रहा, देखो सब पता है इन लोगों को। एक्चुअली मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है? पार्शियल मतलब ना तो डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है। अच्छा जनरली सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम है ना, और जो डबल बॉन्ड होता है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, मतलब अरे जैसे मान लो हम है और हमारी कोई मान लो दूर की बुआ की चाची की बिटिया के है, पहले हमारी रिश्तेदारी थी, क्या थी? रिश्तेदारी थी, अब फिर मान लो बुआ की चाची की बिटिया से शादी हो गई, समझ रहे हो? अब मेरी बात समझिए, अब दो रिश्ते हो गए, पहले मान लो हो सकता कुछ लगती हो, बहन नहीं लगती होगी यार, शादी कैसे कर लेंगे, तो मान लो कि हमारी फूफी लगती हो एक रिश्ते से, अरे समझो दूर का रिश्ता है, और तो मतलब एक रिश्ता है फिर दूसरा रिश्ता हो गया, तो अब बताना, अब जैसे क्या एक रिश्ता होता है तो अगला बड़ा सम्मान रखता है यार, सम्मानित इंसान, इनके बारे में कुछ समाज में इनके साथ बैठना उठना है, और जब और खास रिश्ता हो गया, नहीं कभी कभी सुना है कि एक रिश्ते से हम इनकी बुआ लगते हैं, एक रिश्ते से हम इनकी मामी लगते हैं, नहीं सुना ऐसे? ऐसे नहीं सुना? सुना होगा आप लोगों ने, अगर किया ऐसा किया तो नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या, अब देखिए मेरी बात, अब देखिए अब ये ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हो गया, पहले घर की हल्की फुल्की बातें होती थी, अब घर की खास खास बातें होती हैं, समझ रहे हैं? तो अंडरस्टैंडिंग, जैसे मान लो लालू यादव अखिलेश क्या नाम है मुलायम सिंह यादव, पहले उनके यहाँ बिरादरी की वजह से दोस्ती थी, फिर रिश्तेदारी हो गई, तो अब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे का विरोध नहीं करती, कभी देखा है? तो कहने का क्या मतलब है, और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हो गया, तो अब यहाँ पे भी वही बात है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है, अभी तो सिंगल दिख रहा है ना, लेकिन कुछ समय के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, हाँ एक सिचुएशन ऐसी आएगी और ये लोन पेयर इधर आने की कोशिश करेगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये देखिए एक सिचुएशन ऐसी आएगी यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये लोन पेयर को हटा ही देता हूं, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको कुछ ऐसा फील आएगा, मतलब ये जो बॉन्ड है सिंगल था पहले, बाद में डबल हो गया, मतलब डबल नहीं हुआ तो इसकी बॉन्ड एंगल 1.54 एंगस्ट्रॉम से घट जाएगी, लेकिन क्या 1.34 होगी क्या? नहीं, इससे ज्यादा इससे कम, बीच अप्रोक्सीमेटली 1.43। इसी तरीके से ये डबल बॉन्ड था ना, पहले डबल बॉन्ड था ना, तो पहले 1.34 एंगस्ट्रॉम था,
और बाद में क्या हो जाएगा 1.44 एंगस्ट्रॉम। लेकिन क्या 1.54 हुआ क्या? No, sir, इसे कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बस समझ में आई? यस सर। चलो चलो देखिए, तो दो दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकम डिफिकल्ट इन दोनों के लिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला पॉइंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन अदर हेलोजन कंपाउंड्स, इन अदर हेलोजन कंपाउंड रिएक्टिविटी और ठीक है रिएक्टिविटी इन अदर हेलोजन कंपाउंड रिएक्टिविटी कॉमा दिस इज द सेम ऑर्डर फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत बहुत शानदार बात है, इट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। जानते हैं कि नहीं वाटर कार्बो कैटायन? जानते हैं वाटर कार्बो कैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बो कैटायन आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट। जिसे अब आप समझिए रिएक्शन इंटरमीडिएट सिचुएशन का क्या मतलब होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में छोटी सी बात बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने बोर्ड्स कर लिया, लेकिन क्या आप अपने मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे? नहीं सर। इस समय आप कहां पर हैं? सेंटर में। क्या 200-300 साल के लिए आए हो कि बहुत कम समय के लिए? कम समय। स्कूल में इतनी मेहनत से पढ़ाई करते थे क्या? नहीं। कॉलेज में कोई इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है क्या? नहीं, नहीं। कॉलेज में जाने के लिए यहाँ तुम इतनी दिन रात बिता रहे हो, ये जो इस सिचुएशन में तुम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो गए हो। क्या हो गए हो? बहुत रिएक्टिव। तो स्कूलिंग से बेहतर जगह है ना, तब तो आए हो, वरना स्कूल में रहते। स्कूलिंग से बेहतर है कॉलेज से कम। यहाँ पे आप जितना अच्छा करेंगे उतनी तेजी से आप कॉलेज पहुंचेंगे। क्या? जितना आप तेजी से यहाँ परफॉर्म करेंगे उतनी तेजी से आप कॉलेज पहुंचेंगे। मतलब रिएक्टिविटी आपकी यहाँ पर से, मतलब इस बात समझो, यहाँ पर जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी वही रिस्पॉन्सिबल है कि आप कितनी तेजी से कहाँ पहुंचेंगे? कॉलेज। सेंटर, कॉलेज। तो सेंटर की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि कॉलेज कितनी जल्दी पहुंचेंगे। इसी तरीके से जो जो रिएजेंट है, रिएजेंट प्रोडक्ट बनने से पहले एक रिएक्शन इंटरमीडिएट सिचुएशन में आता है। कहाँ आता है? एक रिएक्टेंट, सॉरी रिएजेंट नहीं, रिएक्टेंट रिएजेंट की मदद से किस में आएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट सिचुएशन में। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ये ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी तेजी से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब, कार्बोकैटायन कई तरीके हो सकते हैं, टर्शियरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, इवन हर किसी में। जैसे एराइल कार्बोकैटायन, ठीक है, सॉरी शुरू करते हैं जीरो से, एकदम बेंजाइलिक से शुरू करते हैं, मतलब एरिल्किल हैलाइड जो अभी सबसे पहले देखे थे उसको एरिल्किल हैलाइड कहते हैं ना, जिसे बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा था और हैलोजन लगा था, उसको एरिल्किल हैलाइड कहते हैं। एरिल्किल हैलाइड तीन तरीके के, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, एरिल्किल हैलाइड दैट इज टर्शियरी बेंजाइल हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड एंड प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। इसके बाद टर्शियरी एलाइल हैलाइड, सेकेंडरी एलाइल हैलाइड एंड प्राइमरी एलाइल हैलाइड। इसके बाद टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन विनाइल हैलाइड, देन एराइल हैलाइड। कुछ आया समझ में? एक पूरा आपको बहुत ज्यादा चीज है, मतलब अभी तक तो केवल पांच दिख रहे थे, हाँ, बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल, विनाइल, एराइल। अब हर एक में तीन है, हर एक में तीन है, और अब इसमें भी एलिफेटिक एरोमेटिक। क्या? एलिफेटिक एरोमेटिक। आप समझ रहे हो कहानी बहुत बड़ी होने वाली है, राइट? चले अब आप अपन पढ़ते हैं, नोट करें। देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा बताओ? दैट इज बेंजाइल। क्या? CH2X। याद आया कुछ? इससे कम क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2X। This is allyl halide. इससे तो कहेंगे RX लिख दूं मैं, CH3X, CH3, CH2X, इसके बाद लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CHX, इसके बाद लिख दूं like this, right?
मतलब दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, दैट इज एरिल्किल हैलाइड, एरिल्किल हैलाइड, या इसी का दूसरा नाम क्या है सर, बेंजा, ये अजीब सा भी बन गया, बेंजाइल हैलाइड, राइट, देन एलाइल हैलाइड, देन एल्काइल, देन विनाइल, एंड देन एराइल. This is the reactivity order of the alkyl, मतलब halogen containing compounds. This is the complete reactivity order of the all kind of halogen containing compound. Okay. तो एक बात समझ में आई, ये क्या है? Most reactive. क्या है? Most reactive. और ये क्या है sir? Least reactive. Right. या less reactive. लीस्ट रिएक्टर, ठीक है? यस सर. डन? यस सर. अभी अपन ने शुरुआत में एराइल हैलाइड का रिएक्शन कराया था, एक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया था ना, रिएक्शन नहीं हुई थी. लेकिन क्या ये रिएक्शन कभी नहीं होगी? कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो कोचिंग ज्वाइन किया, कोच की कोच गाइड कर रहा है, सिलेक्शन हो रहा, राइट? तो इसी तरीके से अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो अपन क्या इस्तेमाल करेंगे? बाहर की एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करेंगे, ठीक है? हाँ, जब बच्चा नहीं पढ़ता है मम्मी पापा बहुत मारते, कभी कभी मारा है कि नहीं? आप लोग को तो नहीं मार पड़ी होगी कभी, मुझे लगता है आप लोग बहुत मतलब टाइप की जिंदगी जी, अभी भी पढ़ी नहीं पड़ी ना तुम लोग को, कभी नहीं पढ़ी होगी, नहीं आईसीएससी वालों नहीं पढ़ती है, लिटरली बता रहे, हमारे पापा ऐसे बैठे रहते थे, बस बात हो रही है, कौन सा हाथ चल रहा समझ नहीं आ रहा, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर हो तो इसमें पढ़ती थी, इसको बताते थे तो इसमें पढ़ती थी, मतलब मैं नहीं अपना 12th तक चलता था, ठीक है, मैं फादर वाज लाइक बैठे हैं क्यों किया ऐसा, क्या क्या पूछते थे? अरे मेरे पापा, मैं तो बहुत फिर भी शरीफ था, मैं पापा को देखता था और पापा ऐसे मतलब मुझे पता था कि मार पड़ने वाली है तो मैं पहले से एकदम टोन मेरी चेंज आते थे और मारने से पहले जब डांट ही रहे थे तो मैं रोना शुरू कर देता था, ठीक है? तो थोड़ा कम मार पड़ती थी, प्रशांत सर का सीन ऐसा नहीं था, अगर प्रशांत सर गलत नहीं है तो तुम मतलब कुछ कह लो वो मानने वाले नहीं, और वो इसी वजह से मार खा जाते थे पापा है? वो गलती नहीं करता था फिर भी इसलिए मार खाता था क्योंकि कहता था हम गलत नहीं है, हम ऐसे नहीं किए, हमने नहीं किया है, बस इतने पे, अरे यार नहीं किया कोई बात नहीं, हो सकता है गलती से हो गया हो, ये बोल दो, ये सब होता है अपने को, अपन बचने वाले इंसान है, हाँ मुसीबत नहीं चाहिए, चले चले कोई बात नहीं। अब देखिए ये है क्या है, दिस इज एराइल हैलाइड, ठीक है क्या है एराइल हैलाइड। अब अभी तुमने ये क्या किया था, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पर आपने देखा था नो रिएक्शन, तो जब बच्चा बदतमीजी करना चाहता है माँ बाप क्या करते हैं, मारते वाते मतलब घर का माहौल गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बच्चे दबाओ तुम नहीं करोगे तुमको छोड़ चले जाएंगे, सही ना? तो हाँ एक बार ही पापा हमारे गुस्से में उन्होंने हमें क्या किया कि हमें प्रशांत को और मेरी बहन दीदी को तो कहे कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो ये नहीं करते चलो जाओ घर से बाहर जाओ। अब मैं भाई उस समय सोच रहा हूँ मेरा दिमाग कैसे क्या चल रहा है, चलो घर से निकाल दिया घर के बाहर खड़े, अब अपन सोच रहे कि स्टेशन जाऊँगा हाँ पहले थोड़ी देर देख के फिर अपन सोच रहे यहाँ से स्टेशन जाऊँगा वहाँ से नहाने क्या, हाँ तुम्हारा तो इंसिडेंट पता है मुझे, हाँ इनके पापा इनको घर से निकाल दिए गुस्से में, ये इंजीनियरिंग चौराहे तक पहुंच गए, ठीक है?
अब मैं क्या सोच रहा कि मैं चलो मेरा दूसरा थॉट तो सुनो, मजा आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ यार हमारे कपड़े रख लिए, मतलब ये तो इन लोगों को होंगे भी नहीं, ये रखे क्यों है, मतलब मैं कह रहा अरे जा रहे थे कम से कम कपड़े दे देते। हाँ तो मतलब तुम्हारे साथ भी हो चुका, मतलब हर बच्चे के साथ हो रहा है क्या ये? नहीं मेरे पापा नहीं हो रहा था, मम्मी मेरी हो रही। जैसे घूमते हो ये लो जहाँ घूमते हो। हाँ दिस इज डाउस प्रोसेस। क्या डाउस प्रोसेस? क्या है डाउस प्रोसेस? यहाँ पर क्या है कि हमने टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया, कितना टेम्परेचर देखो कितना है 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना हो गया जो है 300 एटमॉस्फेयर, बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऐसी सिचुएशन में हेलो एल्केन विल बिकम फिनॉल, ठीक है नोट कर लीजिए। अब देखिए अब बात आती है और दूसरी, ये तो रही, ये तो वो बात है जब क्या इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर तुम बना सकते हो? नहीं। अगर तुम ये कर सकते हो यार तो तुम्हें यार फिर केमिस्ट्री की जरूरत ही नहीं, राइट? केमिस्ट्री वाला आदमी लैब से बाहर नहीं जाएगा, तो अपन अब ये काम लैब में करेंगे। कहाँ करेंगे? लैब में। मतलब कोई ना कोई केमिकल का यूज करके ये रिएक्शन कराएंगे, राइट? तो यहां पर लिखिए, नोट करिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड। यही तो कम थी, यही तो कम थी जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, बहुत लेस रिएक्टिव था टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको रिएक्टिव बना दे तो ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर इसके पास, अगर सोचो, अगर मान लो अपने को अगर ट्रैक्टर बेचना है दुकानदार को, तो इनका इंजन सीज करा दे। क्या करा दे? मतलब जो ट्रैक्टर वाला है, जिससे कोई सेलर है, उसको ट्रैक्टर बेचना है और हमारा सारा काम इनसे हो जा रहा था, तो या तो इनका ट्रैक्टर कहीं सीज हो जाए, पुलिस पकड़ ले जाए, उठा ले जाए, मतलब ऐसा कुछ होगा तो ही फायदा होगा कि नहीं? तो क्या है, चोर आ जाए, मतलब चोर को भेजे ट्रैक्टर चुराने के लिए। तो इसी तरीके से अगर हमको एराइल हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी बढ़ानी है, किसकी? इसकी, तो इसमें हम लगाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगवाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या? विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विद ड्रॉइंग ग्रुप। ई डब्ल्यू जी होते हैं, दैट इज माइनस आई माइनस आर ग्रुप। कौन से ग्रुप? माइनस आई माइनस आर ग्रुप, माइनस आई माइनस आर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दो तरीके के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। चलो लाइक लिखिए, लाइक NO2 CN, ठीक है, आर अटैच्ड, ठीक है, एट कौन कौन सी पोजीशन पर? अच्छा याद आया, अच्छा ये चीजें थोड़ी टफ लग रही होंगी, और क्या नाम है, लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह ये सब नहीं सुना होगा, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में है, ऑलरेडी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब एक चीज होती है कि ग्रुप है, ग्रुप एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर सब सुना है कि नहीं? तो किस पोजीशन पर लगाएंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाएंगे। जैसे ये फिनॉल है ना, ये मतलब ये कोई बेंजीन का बेंजाइलिक कंपाउंड है, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। क्या है? दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब सिर्फ एक कुछ लगा हुआ है, राइट? एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन लगा, यही तो है ना। अगर हम यहाँ पर कोई भी ग्रुप लाइक NO2 या साइनाइड लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है ना बेटा, यस सर, इन जगहों पर हाइड्रोजन तो होगी, और इसी हाइड्रोजन को हटाओगे तभी तो लगाओगे, तो इसीलिए तो इसका नाम है। तो यहाँ पर इसको डाई सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं। अब ये इस पोजिशन को कहते हैं, जैसे ये है, ये कोई ग्रुप लगा है, क्या लगा है? कोई ग्रुप। इस ग्रुप के बाद वाली, जस्ट बाद वाली पोजिशन को ऑर्थो पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और उस मतलब अब एडजेसेंट पोजीशन को, कौन सी पोजीशन? एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। वन के बाद थ्री है, क्या है? थ्री। अल्टरनेट पोजीशन को मेटा कहते हैं, और ऑपोजिट क्लोरीन के सामने अगर कोई ये ग्रुप पोजीशन है, इसको कहते हैं पैरा पोजीशन। लाइक वन वन सॉरी वन
2, 3, 4, 5 and 6. तो ये देखिए 2, 6 इज ऑर्थो, 3, 5 इज पैरा मेटा एंड 4 इज पैरा पोजिशन. तो किस जगह पे लगाएं? या तो NO2 तुम यहां लगाओ, या तो NO2 तुम यहां लगाओ, या फिर NO2 तुम यहां लगाओ, या मतलब मेरे कहने का मतलब माइनस आई या माइनस आर ग्रुप यहां लगाओ, माइनस आई या माइनस आर ग्रुप तुम यहां लगाओ. तो इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो नॉर्मल कंडीशन में ही रिएक्ट कर जाएगी. बस समझ आई? तो लिखिए अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. मैग्नेटिक नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा. एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. चलिए, तो एक बात समझ में आ गया कि एराइल हैलाइड की अगर हमको रिएक्टिविटी बढ़ानी है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो हमको इसमें माइनस आई और माइनस आर ग्रुप लगाना पड़ेगा. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा, उतने ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा. तो लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ, फॉर्मूला लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड इन रिएक्टिविटी ऑफ एराइल, टाइम बताइए जरा मुझे, हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. राइट, गेटिंग? आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए. चलिए कुछ लाइन से क्वेश्चंस दे दूं, सॉल्व करेंगे आप लोग. चल क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज आंसर करें, सॉल्व करें. रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ. अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगाओ, इसके एडजेसेंट वाली इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है? और जितने भी एनायंस होते हैं सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है? तो आप लोग जब पढ़ाऊंगा तभी आपको आएगा, नहीं तो किसी दिन मैं आपको अलग से पहले रिएक्शन मैकेनिज्म ही पढ़ा दूंगा, ठीक है? 11th के जितनी भी बैचेस हैं उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म 135 में चला देंगे, राइट? सेशन में 11th का टॉपिक तो कवर हो गया, रेडॉक्स थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको खत्म कराते ही वहां पर मैं पैरेलली आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाना शुरू करूंगा, जिससे आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा. हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? सुन के अच्छा लगा पर समझ नहीं आया, ठीक है? चल अब ये स्पीशीज को कहते हैं, ये माइनस आई ग्रुप भी है और माइनस आर भी है. दिस इज स्ट्रॉन्ग माइनस आई प्लस बट प्लस आर ग्रुप है, माइनस आई प्लस आर, लेकिन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है. ये क्या है? तो कहेंगे सर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन देता है. दिस इज प्लस एच एंड दिस इज प्लस आर, माइनस आई एंड प्लस आर, दिस इज माइनस आई विल शो माइनस आई एंड प्लस आर, दोनों अपोजिट रिएक्टिव है, अपोजिट इफेक्ट है. एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है और एक क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है? तो एक रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, दूसरा रिंग को एक्टिवेट करेगा, करेगा एक रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, दूसरा रिंग को एक्टिवेट करेगा. अच्छा, रिएक्टिविटी तभी तो बढ़ी थी जब इनका ट्रैक्टर खराब हो गया था, तो हमारी तीनों की जो चेयरिंग थी वो रुक गई. तो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं,
ताकि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। यही तो बात है सत्यम, आ रहा है? तुम सामाजिक सामाजिक बात समझो, इनको इनका ट्रैक्टर खराब हुआ तभी तो मुझे तलब लगी नया ट्रैक्टर लेने की। हाँ तलब है तू, तू है नशा, ठीक है माइनस आई माइनस आर दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक तरफ विड्रॉइंग एक तरफ डोनेटिंग, ज्यादा सुपीरियर है प्लस आर, इसका इंपैक्ट ज्यादा है इसका कम है, ठीक है। चल तो ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वन देन टू देन थ्री एंड देन फोर। रीजन क्या है, प्लस एच है, प्लस एच ज्यादा पावरफुल या प्लस आई, प्लस आई, ठीक है। ये देखिए नोट कर लीजिए, अब माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऑल फंक्शनल ग्रुप विल शो माइनस आई इफेक्ट एंड ऑल द फंक्शनल ग्रुप हैविंग अ लोन पेयर एंड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस विद इट लाइक विद द सेंट्रल मेटल, ठीक है, विल शो माइनस आई माइनस आर इफेक्ट एंड द, देखो ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, ये अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे एक क्रोकोडाइल था और उसकी बीवी थी, बंदर से कहती बंदर का, जब ये बंदर का जब जामुन खा के इतना मीठा है तो इसका खून कितना मीठा होगा, हाँ? तो क्रोकोडाइल को विवश किया बंदर को ले आने के लिए, इसी तरह ये ऑक्सीजन कह रहा है अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कहां से लाते, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन ये स्टेबल है, तो ये कहेगा यार ऐसा है ये रिंग तुम हमको इलेक्ट्रॉन दो हम इनकी भरपाई करेंगे, इसकी यही रीजन होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यही होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहेगा अरे अपने पास इलेक्ट्रॉन है, कहेगा हमारे पास जरूरत है आओ, तब वो न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पे लगेगा, बात समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आई है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी अपने को न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होगी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ताकि हमारे जो है स्पेसीज की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अब ताने बजा से अरे नहीं 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 जस्ट किडिंग, चलो दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन है, मैं शाहरुख खान की तरह पढ़ा रहा हूँ हाथ फैला के, दिस इज नाइट्रो ग्रुप, देखिए कहाँ पे लगा है, ऑर्थो पे, नाइट्रो ग्रुप मेटा पे, नाइट्रो ग्रुप पैरा पे, और यहाँ पर देखो ऑर्थो पैरा मेटा नाइट्रोफिनॉल नहीं, यहाँ पर NO2, NO2 और NO2, देखो तीन तीन माइनस आई माइनस आर ग्रुप, कितने माइनस आई माइनस आर, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो यही होगा, मतलब तुम रिएजेंट डालोगे नहीं कि रिएक्शन हो जाएगी, रिएजेंट डालोगे नहीं कि रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यार तीन तीन माइनस आई माइनस आर है और यहाँ पर माइनस आई माइनस आर है लेकिन पोजीशन पोजीशन क्या है, पैरा, यहाँ पर नाइट्रो है लेकिन मेटा पोजीशन, कौन सी पोजीशन, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस कभी भी ऑपरेट नहीं होता, तो रेजोनेंस विल रेजोनेंस इफेक्ट विल नेवर नेवर ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, ये मेटल नहीं है मेटा, ठीक है, तो यहां पर जस्ट माइनस आई, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा और क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो माइनस आई भी होगा और माइनस आर भी होगा। अब अपनी बात आ रही है दोनों पावर दोनों जगह ज्यादा सेम, इसकी पावर कम है इसकी सबसे ज्यादा है क्योंकि तीन तीन माइनस आई, ये बात श्योर है कि चौथा वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाँ
अब बात आएगी कि ये उसके बाद होगा कि ये। तो एक बात याद रखिए, जनरली अगर हम बेंजोइक एसिड को देख लें, इसको बेंजोइक एसिड को मतलब बेंजोइक एसिड के को देखेंगे तो वहां पर ऑर्थो डायरेक्टस आर द मोर रिएक्टिव, उसके अलावा कुछ भी होगा तो पैरा आर द मोर रिएक्टिव, पॉम पैरा ऑर्थो मेटा, क्या पैरा ऑर्थो मेटा, और वैसे क्या है ओपियम, क्या ओपियम, और बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो पैरा मेटा ओपियम, और इसके अलावा कुछ भी होगा तो पॉम पैरा ऑर्थो मेटा, ठीक है। रीजन क्या है क्यों ऑर्थो ज्यादा होगा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ठीक। तो चौथा एंड चौथे के बाद, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर है, कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये तीसरा। इसके बाद क्या होना चाहिए, ये कि ये यहाँ जस्ट माइनस आई है, माइनस आई भी है माइनस आर भी है, कौन सा ज्यादा क्या बात, मजा आई? यस सर। चलें नोट करें, एक क्वेश्चन दूं? यस सर। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों को रेजोनेंस पढ़, वो क्या नाम है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा देना चाहिए, लेकिन 135 में एक सेशन तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रेडॉक्स में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। एक कल का जो सेशन है उसमें तो रेडॉक्स चलेगा ही चलेगा, उसके बाद वाले सेशन आपको एक सेशन का इंतजार करना पड़ेगा, और कम से कम पता है कितना कितना दिन लगेगा रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होने में, 20 सेशन। अरे तो बेटा एक बार बताओ, 15 में से 8 क्वेश्चन सही होंगे उससे, 20 सेशन के बाद नीट में 15 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे उसी एक चैप्टर को खत्म करने से, और इसमें क्या नाम है जेई में 8 में से 6 क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि जितने ऑर्डर हैं, जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी सीरीज, 90% क्वेश्चन वही आते हैं। कभी भी पेपर उठा के देखिएगा, 2-4 तो रिएजेंट पे क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब तो ऑर्गेनिक में ऑर्डर और स्ट्रेंथ ही तो पूछता है, वो सब वहीं से होगा। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरी केमिस्ट्री के लिए पढ़ाऊंगा एक ही जगह पर, इसी तरीके से आईपीएससी पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाया भी है इसके पहले, एक सेशन हो चुका, एक बार आईपीएससी खत्म हो चुकी है। आईपीएससी अगर पढ़ाऊंगा तो पूरी ऑर्गेनिक की आईपीएससी पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज नहीं। हाँ ठीक है, चले अभी कोशिश करके दिखाइए। ठीक है, एक जगह लगाइए नाइट्रो ग्रुप, एक जगह लगाइए क्लोरीन, एक जगह लगाइए मेथाइल ग्रुप, और एक जगह लगाइए OCH3। चलिए आंसर करें, माइनस आई और माइनस आर, जस्ट माइनस आई, ये है आपका प्लस एच मान लीजिए, और ये क्या है प्लस आर, माइनस आई और प्लस आर, यही है ना। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहते हैं, नोट करें। बताइए आंसर क्या होगा, आंसर बता दे, मजा आ जाए। कुछ याद आया अब पैर की, बस लिख ही रहे हो। ये बेंजाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है sp3, तो रिएक्टिविटी है, आंसर यही तो गलत था सर। हाँ रीजन क्या है, आप रट रहे हैं, आप पहले ये देखिए कि आप बेटा फिर गलती कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे कि ये एराइल स्पेसीज है कि एरिल्किल है, तो छोड़ दिया, एराइल है कि एरिल्किल है, वही है रिवर्स, ये लो बेटा सर, एराइल है कि एरिल्किल है, एरिल्किल के लिए
रिएक्टिविटी माइनस आई वी माइनस आर पे डिपेंड करती है कि कार्बो कैटायन की रिएक्टिविटी. तो ये यहाँ पर सब क्या है, कार्बो कैटायन कैसी स्पेसीज है, कार्बो कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव होता है, तो प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है. क्या प्लस को प्लस, मतलब कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है कि वहां पर कितना प्लस आई प्लस आर ग्रुप लगा है. क्या लगा है, तो इसका मतलब आपको इस पेज पे जाना चाहिए और यहाँ लिख लेना चाहिए कहाँ लिखा है, ये है ना. तो यहाँ पर एक बात लिखिए, प्लस दैट इज प्लस को प्लस स्टेबिलाइज करता है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एम प्लस आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर. देखिए सर, बहुत एक ही बार में सीख गए. मतलब एक बात याद रखना, प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है, माइनस को माइनस. इसका मतलब कहीं पर अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी निकालनी है तो वहां पर लगी हुई चीज होनी क्या चाहिए, माइनस आई माइनस आर, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और अगर प्लस आई प्लस आर दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. क्या, किसको डोनेट करेगा, सेंटर को इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है. बात समझ में आई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर. अब यहां पर प्लस आर, प्लस आर जस्ट प्लस एच माइनस आई माइनस आई माइनस आर. अच्छा ये तो सबसे कम स्टेबल होगा, या कह सकते सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ क्या नाम है, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड या एरिल्किल, एरिल्किल हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस आर. जितना ज्यादा लगेगा तो आंसर होगा ये. अब वो क्या लगता है कि आप ही के मन का करेंगे, दिमाग खुला होना चाहिए, कभी भी आंसर रटने वाला नहीं, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है. क्वेश्चन देखिए और खुद एनालाइज कीजिए कि लगा क्या है, राइट. मस्त है, ऑर्डर yes, आता है एग्जाम में, ये और कुछ नहीं आता. 22 नेम रिएक्शन है टोटल जो है पांच चैप्टर्स में, मतलब पांच क्या, पांच एक छह चैप्टर मान लीजिए, मतलब हाइड रिएक्शन नहीं, नेम रिएक्शन बेटा, इट्स नेम रिएक्शन, व्हाट आई एम सेइंग इज नेम रिएक्शन. एग्जाम में जो आता है वो ये आता है, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन, ये सुना है कि नहीं, तो ये नेम रिएक्शन कहते हैं इनको. ऐसे तो रिएक्शन बहुत है लेकिन नेम रिएक्शन आता है एग्जाम में, ठीक है, गटर में ना, मतलब अगर 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 हमारे यहाँ पर अगर हमारे कोलगेट रिएक्शन नहीं बेटा, कोलगेट मतलब आप समझे कि अपने यहाँ अगर किसी का नाम ये हो जाए ना गटर मैन, उसको गटर ही बुलाए. मेरे मैं एक दिन जा रहा था तो ऐसे मैं खड़ा था चौराहे पे, तो बगल में एक आदमी था, वो ट्रैफिक लगी हुई थी, बगल में एक आदमी था, वो फोन पे चिल्ला रहा हेलो हम कल्लू बोल रहे, कोई नहीं सुना, फिर से चिल्ला रहा हेलो हम कल्लू बोल रहे, हम कह रहे मेरा नाम कहो मेरा. नहीं ठीक है मैं थोड़ा पहला हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, गटर मैन. अब देखो गाँव वाले मजा ले लें इनका. मेरे गाँव में एक लड़की थी, अगर मैं आपको नाम बताऊंगा हंसने लगेंगे, मतलब गाँव वाले ऐसा ऐसा नाम रखते हैं कि आप पागल हो जाओगे, बहुत एंटी डब्लू है, मेरे गांव में नाम है डब्लू, ठीक है, मतलब ये तो बहुत छोटा है शेरू है, ये बहुत छोटे नाम है. हमारे गांव में एक लड़की थी छोटी सी थी, उसका नाम रखा लाल मुनिया. आप विश्वास मानिए वो बड़ी हो गई नाम वही चल रहा. अब हम एक बार उसकी शादी थी, उसकी शादी थी, बगल में लड़के पूछ रहे किसकी शादी, लाल मुनिया दीदी. अच्छा अच्छा, एक नाम है बच्चा, मतलब बच्चा इस बेबी को बच्चा कहते हैं, अब वो बचपन से नाम पड़ गया धीरे धीरे बच्चा. हाँ मतलब पूछता कोई कौन है, बच्चा भैया, बच्चा भैया, ठीक है, नहीं नहीं बच्चा, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये सच के घटनाओं पर आधारित है.
एक नाम और बहुत तगड़ा है, हाँ मेरी छोटी सी बहन थी, पहले छोटी थी बड़ी हो गई, तो जब छोटी थी तब उसका नाम बहिनी था, बहनी 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 मतलब होता है सिस्टर ही होता है, लेकिन बहनी बोलते थे मतलब बहनी बहनी बहनी, वो बड़ी हो गई तब भी उसको वही बुला रहा, अब बहनी बुला, अब अपने को समझ नहीं आ रहा उसका। एक बार ये क्या है कि उनके हस्बैंड बैठे बगल में, हमने कहा बहनी दीदी यहाँ यार, वो ऐसे देख रही, ये नहीं यहाँ नहीं, ठीक है हाँ, ये सब नाम बड़ा सोच के रखे, गटर मैन कोई बात नहीं, अरे बेटा अंग्रेज है वहां पे नहीं चलता ये सब, ठीक है समझ में आया यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।